हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा ऑटो टेक में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज, यानी गाड़ी का लो पिकअप। हम आपने लैपटॉप वगैरह भी लगाया लेकिन कोई फॉल्ट कोड एक्टिव नहीं है और फिर भी गाड़ी का जो एवरेज लो है और गाड़ी चलने में थोड़ी चढ़ाइयों पे एकदम से दब जाती है या दब के चलती है। जिन भाइयों के पास लैपटॉप है वो तो पता लगा लेते हैं, या पैरामीटर सेटिंग में अगर कोई गड़बड़ होती है तो भी वो सही कर देते हैं, लेकिन बाहर वाले मैकेनिकों के पास लैपटॉप नहीं होता। और मैकेनिकल प्रॉब्लम के बारे में मैं थोड़ा आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई लो पिकअप गाड़ी है या फिर एवरेज लो है तो आप उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको इस गाड़ी में जो है BS4, 6 या 3 कोई भी गाड़ी है तो आपको एयर फिल्टर ही चेक करना है। एयर इंटेक लाइन हम चेक करेंगे, एयर फिल्टर के बाद में ये होज फ्लेक्सिबल भी हमारा सही होना चाहिए। इससे हो गया क्या, नॉर्मली इससे दबने में फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन इससे डस्ट एंट्री हो सकती है अगर ये फटा हुआ है तो। इसके बाद हम टर्बो के पास जाएंगे और ये जो होज है इनके, इन होजों को चेक करेंगे, ये कहीं से भी लीकेज नहीं होने चाहिए। इन होजों के बाद हम इस होज पर आएंगे, इसको भी हम पूरा चेक कर लेंगे, कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए हल्का सा भी, और BS4 और 6 गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर हम एंटीकूलर को चेक कर लेंगे, एंटीकूलर भी हमारा लीकेज नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से हम इस सारे होज जो है उनको अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको होज में ज़रा सी भी दिक्कत लगती है तो आप होज चेंज कर सकते हो, यानी इसमें लीकेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज ये होज रहेगा तो बूस्ट प्रेशर जो है गाड़ी को कम मिलेगा और उससे गाड़ी जो है हमारी लो एवरेज हो सकती है, हो जाएगी, सकती नहीं। और दूसरा जो कारण है ये फैन पंखा, ये कभी भी डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, जब इसकी ज़रूरत पड़े तभी ये चलना चाहिए। अगर डायरेक्ट चलेगा तब भी इंजन पर लोड बढ़ेगा और उससे हमारी गाड़ी जो है लो पिकअप हो सकती है। ये चीज़ें मैं सिर्फ मैकेनिकल चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैकेनिक भाई छोटी छोटी चीज़ें चेक कर सकते हैं बिना लैपटॉप के, अगर कोई ऐसा बता रहा है तो। और एक चीज़ हम चेक करेंगे डीजल लाइन, डीजल लाइन में हमको फ्यूल फिल्टर सबसे पहले चेक करना होगा, फ्यूल फिल्टर हमारे दोनों जो है एकदम ओके होने चाहिए। और दोनों फ्यूल फिल्टर हम चेक करेंगे, और इसके बाद है टेपेट सेटिंग, लेकिन टेपेट सेटिंग से मेरे हिसाब से इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं तो आप भी टेपेट सेटिंग चेक इसके कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मैं इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए और आप जो चाहे मुझसे सवाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें एवरेज लेने का एक और तरीका, हमारा जो क्लच है, क्लच सिस्टम वो पूरा एकदम ओके होने चाहिए। जैसे ये बूस्टर सिलेंडर हो गया, मास्टर सिलेंडर, और इसमें क्लच बेयरिंग भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्लच बेयरिंग आप देख रहे हो ये इस पोजीशन में ही होना चाहिए, ये घुमा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी आपको इसके घूमने की एक पहचान बता देता हूँ, जब भी ये घूमेगा या फिंगर आउट हो जाएगा तो आपका क्लच पेडल जो है वो वाइब्रेशन करने लगेगा। जब आप क्लच पेडल को दबाओगे तो आप खुद महसूस करोगे कि हमारा क्लच पेडल जो है वाइब्रेशन कर रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए, एकदम ओके चाहिए। और सिलेंडर बूस्टर सिलेंडर जो है वो भी एकदम ओके चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, और यानी क्लच एकदम ओके चाहिए इन गाड़ियों में एवरेज लेने के लिए, क्लच भी ओके चाहिए और ये जो चीज़ें मैंने बताई है